तो हम आगे बढ़ते हैं इंटरफेस में, और इंटरफेस में देखते हैं कि बेसिकली है क्या। ठीक है, तो एक इंटरफेस क्या है, इंटरफेस में जो भी आप डालोगे मेथड्स, ठीक है, तो वो मेथड्स का क्या है, सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, ओनली डिक्लेरेशन। ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं होगा यहां पर। ठीक है, अब डिक्लेरेशन है दैट मींस कि अगर कोई क्लास है यहां पर, ठीक है, क्लास टेस्ट एक्सटेंड्स, ओके। अब एक चीज और ध्यान रखना है, एक्सटेंड्स आई टेस्ट जो हम करते थे पहले, अब वो नहीं कर सकते। ठीक है, इंटरफेस को हम एक्सटेंड नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करते हैं, याद रखना आप, इंप्लीमेंट्स, ओके। कोई भी इंटरफेस होगा, कोई भी इंटरफेस को आप जब यूज करोगे तो क्या करोगे, इंप्लीमेंट्स करोगे। दैट मींस इंटरफेस में जितने ही मेथड्स है उन सारे मेथड्स को इंप्लीमेंट करने जा रहे हो आप। ठीक है, सो यू हैव टू एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स, ओके, अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स। ठीक है, हमने ऐड कर दिया, अब क्या हुआ इसमें, ऑलरेडी डिफाइंड टेस्ट, ओके, क्लास जो है ऑलरेडी डिफाइंड है बिकॉज ये सेम पैकेज में है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं टेस्ट डेमो। ठीक है, टेस्ट डेमो, ओके। एक आई टेस्ट है इंटरफेस, इसमें एक क्लास बनाया टेस्ट डेमो, टेस्ट डेमो ने क्या किया, इंप्लीमेंट किया इंटरफेस को और इसका डेफिनेशन दे दिया। ठीक है, एक चीज और है, यहां पर एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास था, ठीक है, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक यूजीसी था, जो जब कॉलेज क्लास बना तो कॉलेज ने इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, सपोज कीजिए कि एबीसी कॉलेज का, ओके, एबीसी कॉलेज का एक ब्रांच होता है यहां पर, ठीक है, एक दूसरा ब्रांच होता है, ठीक है, और ये ब्रांच क्या करता, यूजीसी प्लस एबीसी, ठीक है, ये दोनों को एक्सटेंड करना चाहता, ठीक है, तो यहां पर देखो नहीं आ रहा, दैट मींस आप वो चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन क्लास, ओके, देखो आप ये चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट इंटरफेस के साथ आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, दैट मींस यू कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, तो जैसे अभी था हमारा एक इंटरफेस आई टेस्ट, दूसरा इंटरफेस बनाया आई टेस्ट टू, ओके, और इस आई टेस्ट टू के अंदर हम क्या करेंगे, एक शो है और दूसरा हमारा हमने डाल दिया इसके अंदर इंसर्ट, ओके, इंसर्ट। नाउ अभी जब हम टेस्ट डेमो बना रहे थे, ठीक है, तो टेस्ट डेमो इंप्लीमेंट्स आई टेस्ट, कॉमा हम लगाया हमने यहां पर, और हमने क्या किया यहां पर आई टेस्ट टू भी डाल दिया। ठीक है, दैट मींस कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, टेस्ट मल्टीपल को। ठीक है, नाउ हुआ क्या कि अब कह रहा है टेस्ट डेमो में कि एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, ओके, यहां एक चीज हमेशा याद रखना है, एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड। अभी आप देखो कि आई टेस्ट में भी क्या था, दो मेथड था, सो आई टेस्ट टू में भी क्या है, एक शो है और एक इंसर्ट है। अब ये टेस्ट डेमो क्लास जो है, इस क्लास में शो मेथड तो ऑलरेडी डिफाइंड है, डिस्प्ले मेथड भी ऑलरेडी है, तो अब कौन सा मेथड नहीं है, इंसर्ट मेथड नहीं है, सो वी हैव टू एड हेयर इंसर्ट मेथड, ओके। सो हम क्या करेंगे यहां पर, एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड इंसर्ट। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है, हमने इसको भी इंप्लीमेंट करा दिया यहां पर। ठीक है, अब देखो इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, अंटिल अनलेस कि आप इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ और स्पेशल मेथड भी नहीं ऐड कर देते हो। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एक बल्की होता है, दैट मींस कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्लास है, दैट मींस मेमोरी में स्पेस लेगा, एंड ये कंस्ट्रक्टर भी रखता है अपने पास, और नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रहता है, और यू कैन डिफाइन एनीथिंग इन दिस क्लास। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो, इसी तरह इसका भी है, इंटरफेस का भी आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज कि जो एक इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस में जो भी मेथड्स है, इस इंटरफेस में आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हो। ठीक है, एक इंटरफेस है, इंटरफेस का जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, इसका सिग्नेचर पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो। ठीक है,
आप या तो इतना लिखो या आप इतना लिखो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ओके, ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कभी कभी, तो आप इस चीज को याद रखना हमेशा कि कोई भी एक इंटरफेस है, इंटरफेस में जो भी मेथड्स होगा, जो भी मेथड्स है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट चीज। इसके अंदर आप लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है। दूसरा चीज, इसमें जो कुछ भी आप लिखोगे इंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, सो ये जो एक्स बना ये क्या बना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, इसके पहले क्या लगा होता है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ओके, आप ये लिखो या नहीं लिखो, ठीक है, इसको पहले भी मैं लिख ही देता हूं, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फाइनल है क्या, ठीक है, क्योंकि आज टाइम नहीं है, फाइनल क्या है और फाइनल को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन होता है फाइनल से रिलेटेड, ठीक है, और इसका यूजेज भी बहुत होता है प्रोजेक्ट में, तो इस पे भी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है ये इंटरफेस, आई टेस्ट। तो ये आई टेस्ट इंटरफेस में बेसिकली क्या है, एक मेथड आपने बनाया पब्लिक स्टैटिक, सॉरी एक वेरिएबल बनाया, दैट मींस कि जितने भी इंटरफेस में जितने भी वेरिएबल्स होगा वो वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट। दैट मींस यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 10। अब जैसे यहां आया डेमो, ठीक है, डेमो दैट मींस कि इस डेमो के अंदर क्लास टेस्ट डेमो, ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है, पब्लिक टेस्ट डेमो, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, बेसिकली इस एक्स को देखते हैं मॉडिफाई करके, ठीक है, तो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम, आई देखो ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है, ठीक है, तो स्टैटिक को कैसे आप यूज करते हो, क्लास नेम के साथ, ठीक है, या इंटरफेस नेम के साथ। ओके, तो डॉट एक्स, ओके, पहले हम प्रिंट करा देते हैं इसको, ठीक है, सिस आउट, ओके, हमने इसको प्रिंट कराया, अब क्या करते हैं, इसको वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आई टेस्ट डॉट एक्स इक्वल टू 20। ओके, तो जैसे ही आप लिखोगे तो ये क्या करेगा, एक मैसेज देगा, एक्सेप्शन देगा आपको, द फाइनल फील्ड कैन नॉट बी असाइंड। ओके, फाइनल फील्ड को आप असाइन नहीं कर सकते, दैट मींस कि अगर कोई वेरिएबल फाइनल टाइप का है तो उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरफेस में आप जब कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, दैट मींस कि आप उसको क्या कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या करता है, बेसिकली वो इस तरह से लिखेगा और यहां आकर के ये भी लिखेगा क्वेश्चन पे और कहेगा आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो चीज है ना, ये असाइन नहीं होगा, वैल्यू नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, सो हमने यहां पर दे दिया, अब क्या है, सिमिलर वे जैसे हम पहले करते थे, टेस्ट डेमो, टेस्ट डेमो बनाया, ठीक है, और डी इक्वल टू न्यू टेस्ट डेमो, ठीक है, टेस्ट डेमो। अब हम क्या करेंगे, डी डॉट डिस्प्ले, डी डॉट शो, डी डॉट जो भी है वो सब हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट, ओके, और ये सारा हमारा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है, अभी तक समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है, इंटरफेस और इसमें दोनों सेम जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है, डिफरेंस यही है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंटरफेस में जो भी डिक्लेयर होगा वो सिर्फ और सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। ओके, आप लिखोगे या नहीं लिखोगे, बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है। सर अगर किसी अब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एक मिनट सर, किसी अभी अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर कोई वेरिएबल होगा तो वो कैसा होगा, वो भी इस तरह से होगा फाइन? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्लास है, नॉर्मल क्लास है, ठीक है, नॉर्मल क्लास है, इस नॉर्मल क्लास में आप कुछ भी लिखो, ठीक है, ये सब चलता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास है। ओके, आप स्टैटिक बनाकर लिखो जैसे पहले होता था, ठीक है, ये सारा चीज चलेगा, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नॉर्मल क्लास है, ठीक है, और ये क्या है, इंटरफेस है। अब हम देखें यहां पर कि इंटरफेस से रिलेटेड हमारे पास कुछ है,
ठीक है, तो हम थोड़ा इसको देखते हैं और देखते हैं कि एक इंटरफेस में क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या चीज नहीं हो सकता है। ठीक है, इन इंटरफेस डिक्लेयर विद इंटरफेस कीवर्ड एंड वी यूज इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। ठीक है, थ्रू इंप्लीमेंट। तो एक इंटरफेस बनाया इसने, इंटरफेस क्लास, ठीक है, इंटरफेस क्लास, और इसमें सम अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। क्लास है एनी क्लास इंप्लीमेंट्स अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया इसने यूजिंग इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। ठीक है, यूज इंप्लीमेंट्स व्हाइल इंप्लीमेंटिंग इंटरफेस, डोंट यूज एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स हम क्लास पे करते हैं। ठीक है, इंटरफेसेस शुड कंटेन ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इंटरफेसेस शुड नॉट कंटेन अ सिंगल कॉन्क्रीट मेथड। ठीक है, दैट मींस कि आप एक बना रहे हो अब इंटरफेस, इसमें दो अब्स्ट्रैक्ट मेथड डाला आपने, आप कॉन्क्रीट मेथड नहीं डाल सकते हो, कंपाइल टाइम एरर आएगा यहां पर। ठीक है, यू कैन नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू ऐड एनी कॉन्क्रीट मेथड इन इंटरफेस। ओके, इंटरफेस कैन हैव टू टाइप्स ऑफ मेंबर, फील्ड्स एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, तो फील्ड्स का क्या है, ये इस तरह से फील्ड लिखेंगे और इस तरह से अब्स्ट्रैक्ट। बाय डिफॉल्ट एवरी फील्ड ऑफ एन इंटरफेस इज पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। ओके, सो फाइनल क्या है हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। तो आप जब भी डालते हो तो इस फाइनल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो कि हमने अभी देख लिया, ठीक है, कॉन्स्टेंट होता है। और क्या है, ऑल मेथड्स पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल था, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। मेन टॉपिक पर आते हैं। ओके, जैसे कोई एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास था, ठीक है, ये कह रहा है SIB, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एंड स्टैटिक एंड इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक आर नॉट अलाउड इनसाइड इंटरफेस। ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं। जैसे एक क्लास था, ठीक है, एक क्लास है, तो क्लास में हम स्टैटिक ब्लॉक हम लगा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक हम लगा सकते हैं क्योंकि ये क्लास है, याद रखना हमें। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक IIB जिसको कहते हैं, ये जो था SIB, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, और इसको IIB, इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। ठीक है, दैट मींस इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, जो हम नॉर्मल एक इंस्टेंस बना देते हैं, ठीक है, ये सब हम रख सकते हैं बट इंटरफेस में नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे एक इंटरफेस था, इसमें हम स्टैटिक ब्लॉक नहीं बना सकते हैं, एरर आ जाएगा। इंस्टेंस ब्लॉक भी हम नहीं बना सकते हैं, एरर आ जाएगा। ठीक है, सो इंटरफेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट है कि पर्टिकुलर चीज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम रियल लाइफ एग्जांपल पे भी डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि स्टैटिक और नॉन, ये सब नहीं डाल सकते आप एक इंटरफेस में। ठीक है, एक इंटरफेस, वन इंटरफेस कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। ठीक है, जैसे एनी क्लास है, इससे पहले दो इंटरफेस बना और दोनों को एक साथ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, जो कि पॉसिबल है, बट ये चीज पॉसिबल नहीं था किसमें, इंटरफेस में, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर क्लास में। सो हम थोड़ा देखते हैं इसमें कि देयर आर मेनली थ्री रीजंस टू यूज इंटरफेस। ठीक है, इट इज यूज्ड टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन। बाय डिफॉल्ट वी कैन सपोर्ट फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला चीज है ना, इस वजह से हम लोग इंटरफेस यूज करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू अचीव लूज कपलिंग। ठीक है, लूज कपलिंग क्या है हम देखेंगे अभी आगे। तो जैसे एक इंटरफेस हमने बनाया, इंटरफेस प्रिंटेबल, इसमें वैल्यू है इंट मिन इक्वल टू 5 एंड प्रिंट वॉइड प्रिंट। जब ये कंपाइल होगा तो किस तरह से बनता है, इंटरफेस प्रिंटेबल पब्लिक स्टैटिक इंट, देखो पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट 5, और ये जो है आप डाल रहे हो। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर, कि आप देख रहे हो यहाँ पर इंट मिन 5 और एम मिन जो है कैपिटल लेटर में लिखा हुआ। ठीक है, तो एक जावा कन्वेंशन का एक नया रूल है, एक नया रूल नहीं है मतलब एक और रूल है, कि जब भी आप कोई फाइनल, ठीक है, जब भी आप कोई फाइनल वेरिएबल बनाते हो, ओके, तो जो भी वेरिएबल नेम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा हमेशा। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो आपको इस तरह से यूज करना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, और जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो स्मॉल और कैपिटल दोनों अलग तरीके से ट्रीट होता है। ठीक है, सो हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इंट आप मिन इक्वल टू
फाइव इस तरह से आप डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ये फाइनल है इसलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखना है हमें। इसका यूजेज है हम अभी आगे देखेंगे, और ये जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना सब अभी कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होता चलेगा, ठीक है। तो जब हम पहुंचेंगे उस जगह पे सेलेनियम में, ठीक है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत ज्यादा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ यहां पर देखो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस वाली कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है। तो देखो वन क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास, वन क्लास कैन इंप्लीमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो जब भी कोई इंटरफेस बनेगा तो उसको इंप्लीमेंट्स यूज करना है, और इसके लिए जो इंप्लीमेंट यूज करते हैं वो डॉटेड लाइन यूज करते हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन हम यूज करते हैं इंटरफेस के लिए, ठीक है, और क्लास के लिए सॉलिड लाइन, दैट मींस सॉलिड एरो। तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड्स होता है हमारा, ठीक है, इस तरह से। नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिनेरियो क्या है कि एक क्लास है कोई, एक क्लास में आप दो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक इंटरफेस जो है, देखो क्लास लेवल पे क्या है, क्लास इंप्लीमेंट करता है और इंटरफेस एक्सटेंड करता है, ठीक है। दैट मींस कि जो सिमिलर चीज है, ठीक है, क्लास एंड क्लास में क्या होगा, एक्सटेंड चलेगा, इंटरफेस एंड इंटरफेस में क्या होगा, एक्सटेंड चलेगा, बट जो डिफरेंट होगा वहां पर एक्सटेंड या फिर इंप्लीमेंट चलेगा, ठीक है। इस चीज को मैं समझाता हूं फिर से। जैसे हमने क्या किया, ठीक है, इसमें हमने कुछ ज्यादा ऐड कर दिया, ठीक है, इसको हटाते हैं, नॉर्मल हम लिखते हैं, ओके, ठीक है। देखो एक इंटरफेस है आई टेस्ट, दूसरा इंटरफेस था आई टेस्ट टू, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, एक तीसरा इंटरफेस बनाओ, या फिर इसी में आप कर लो कि आप चाहते हो कि हम यहां पर ना इस तरह से मल्टीपल नहीं करें, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स आई टेस्ट, ठीक है, आई टेस्ट, मतलब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। जैसे एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता था, ठीक है, इसी तरह सिमिलर जो चीज होता है तो वहां पर एक्सटेंड्स चलता है, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू यूज इंप्लीमेंट्स, ओके। अब यहां देखो इंटरफेस इसको क्या किया, इसने एक्सटेंड किया, ठीक है, टेस्ट टू, दैट मीन्स कि आप सिर्फ टेस्ट टू आप यूज करोगे, दैट आपके आपने सारा चीज डाल दिया यहां पर, ठीक है। ये भी ये हो गया हमारा क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। फर्स्ट को एक्सटेंड करा दिया एंड देन लास्ट वन को हमने यूज कर लिया, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था, ठीक है, समझ रहे हो आप। अब मैं एक इतना में कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हम एक रियल वो सिनेरियो में बताने जा रहा हूं जिसको आप थोड़ा समझना कि ये बेसिकली क्या है और कहां पर हमें अब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं, कहां इंटरफेस करते हैं यूज, ठीक है, ओके। दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ये मैं डॉक्यूमेंट आज शेयर कर दूंगा आपसे। अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव कैन हैव अब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसमें सारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें है इंटरफेस में, इस तरह से आप ये सारा चीज है, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। व्हेन टू यूज अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड व्हेन टू यूज इंटरफेस, ठीक है। तो जब हम ये क्वेश्चन ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, स्पेशली जब आप सीनियर लेवल पे इंटरव्यू देने जाते हो तो वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करता है कि ठीक है, जब दोनों का काम सेम है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी वही काम करते हैं, सॉरी इंटरफेस में भी वही काम करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी वही काम करते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि इसमें कॉन्क्रीट मेथड हो सकता है, ठीक है, तो हम बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस में से किसको हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके डिजाइन प्रिंसिपल पे कि आप क्या यूज कर रहे हो, आप नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। सो चॉइस मे बी मस्ट बी मेड वेरी इंटेलिजेंटली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन हैंड। लेट्स ट्राई टू पुट सम इंटेलिजेंस हियर। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लेट यू डिफाइन सम बिहेवियर्स, इट मेक्स देम एक्सीलेंट कैंडिडेट्स इनसाइड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। कोई एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है
उसमें कह रहा है कि कुछ बिहेवियर को वो डिफाइन करने देता है। बिहेवियर मीन्स डेफिनेशन। इंटरफेस में आप कुछ डेफिनेशन को दे सकते हो, ठीक है, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई डेफिनेशन दे सकते हो, बिहेवियर आप दे सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल है यहां पर, कह रहा है टेक एन एग्जांपल ऑफ एचटीटीपी सबलेट्स। एक क्लास है एचटीटीपी सबलेट, ये पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं आप समझते हो कि नहीं। इट इज द मेन क्लास यू मस्ट इनहेरिट इफ यू डेवलप एनी वेब एप्लीकेशन यूजिंग सबलेट टेक्नोलॉजी। कह रहा है अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो यूजिंग सबलेट टेक्नोलॉजी तो आपको इस एचटीटीपी सबलेट को क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वी नो इच सबलेट हैज अ डिफाइंड लाइफ साइकिल फेजेस, इनिशियलाइजेशन, सर्विस एंड डिस्ट्रक्शन। दैट मींस कि आप कह रहा है, आप कुछ इस तरह से समझो कि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है एचटीटीपी सबलेट, ठीक है, और उसमें कुछ चीज दिया हुआ है उसने, ठीक है, कुछ चीज दिया हुआ है उसने पहले से, जैसे कि जो सबलेट इनिशियलाइज होता है तो इनिशियलाइज होगा और लास्ट में जब काम खत्म हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपने आप, ठीक है। लेकिन उसमें एक मेथड होता है, ठीक है, उसमें एक मेथड है, कुछ मेथड है जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, कुछ मेथड है अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस एग्जाम्पल के बेस पे मैं दूसरा अगर एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो आप सपोज करो कि एक सिलेनियम का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, और सिलेनियम के प्रोजेक्ट में आप क्या करोगे, मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि आपको समझना है कि कहां पर क्या इंप्लीमेंट होगा। सिलेनियम का प्रोजेक्ट है और सिलेनियम के प्रोजेक्ट में आप क्या कर रखे, क्या चाहते हो कि जो बेसिक चीज है, ओके, जो बेसिक चीज है वो बेसिक चीज इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है, पहले ही, और कुछ चीज जो है जो यूजर पे हम छोड़ दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्लास था हमारा और इस क्लास में देखो आप, ठीक है, एक क्लास है, इस क्लास में हमारे पास क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी दे ले रहे हैं और प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेट करने के बाद ड्राइवर का, फिर हम इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में जाओ और एक मेथड एक बनाओ जिसमें स्टैटिक बना दो, जिसमें आप ये सारा चीज दे दो, स्टैटिक मेथड में आप इस चीज को डिफाइन कर दो, ओके, और उसमें आप नॉर्मल मेथड को भी रखो, ठीक है, नॉर्मल मेथड भी रखो और अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रखो, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप उस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को, जब आप उस सॉरी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को नॉर्मल क्लास से जैसे ही एक्सटेंड कराओगे आप, ठीक है, तो वो एक्सटेंड कराते ही क्या होगा, जैसे ये टेस्ट कॉलेज वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, टेस्ट कॉलेज आपने क्या किया यहाँ पर कि सिस्टम डॉट वो जो था प्रॉपर्टी वाला चीज, ठीक है, ये लाइन को आपने उठाया और कहाँ डाल दिया, स्टैटिक ब्लॉक में डाल दिया आपने, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के स्टैटिक ब्लॉक में डाल दिया, ये हम डिजाइन इंप्लीमेंट करेंगे आगे, और ये कुछ मेथड छोड़ दिया, ठीक है, और नॉर्मल मेथड भी है, ठीक है। तो जैसे ही इस क्लास को आप एक्सटेंड करोगे तो एक्सटेंड करते ही ये चीज इनिशियलाइज हो जाएगा, आपको हर जगह वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, ये ऑटोमेटिक आ गया उसमें। अब हम चाह रहे हैं कि यूजर जो है इसका डेफिनेशन दे, आप उस चीज को डिफाइन करो, तो आप क्या करोगे यहां पर, बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट बना दोगे और इसका डेफिनेशन देना होगा, जो कि यहां पर बता रहा है, ठीक है, कि कुछ इनिशियलाइजेशन, सर्विस एंड डिस्ट्रक्शन पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, व्हाट इफ द सबलेट क्रिएट, वी हैव टू राइट सम पीस ऑफ कोड रिगार्डिंग इनिशियलाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन, श्योरली इट विल बी बिग बेन, ठीक है, जैसे हम उसमें कर रहे हैं कि आप करो क्या, आप अगर नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हो सिलेनियम 3.0 के थ्रू, तो ये लाइन ना हमेशा लिखना पड़ता है, हम जितना जो भी मेन मेथड है उसके पहले हमें बार बार लिखना पड़ेगा। तो आप इस चीज से बच सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसके लिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में डाल दो उसको और वहां से वो इनिशियलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, उसको इंटरफेस में नहीं डाल सकते आप, क्योंकि इंटरफेस में स्टैटिक ब्लॉक एंड ये जो चीज है ये सारा चीज नहीं चलता है, ठीक है, उसको कहाँ डालोगे आप, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में डालोगे, समझ में आ रहा है ना आपको, उसको आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास में डालोगे, ओके। नाउ इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास, कह रहा है जेडीके डेवलप डिजाइनर ने क्या किया, एचटीटीपी सबलेट क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, इट हैज ऑल द कोड्स ऑलरेडी रिटन इन इनिशियलाइजेशन ऑफ सबलेट, ठीक है, सारा कोड पहले से ही लिखा हुआ है उसका, जो कि कैसे इनिशियलाइज होगा, कैसे डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है,
बट कुछ चीज जो है उसने छोड़ दिया है, ठीक है। और वो कुछ चीज क्या था, जो हम उसमें एक मेथड होता है हमारा गेट करके, ठीक है, गेट मेथड को छोड़ दिया, जो कि आप अपना कोड लिखो, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। नाउ इंटरफेस में क्या कह रहा है, अब कह रहा है इंटरफेस का कहां यूज है, एन इंटरफेस ओनली प्रोवाइड्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंप्लीमेंटिंग क्लासेस टू इंप्लीमेंट इच एंड एवरी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड टू इट। ओके, जितना चीज दिया हुआ है उसके सारे के सारे चीज को प्रोवाइड करना है। एक एग्जाम्पल है जो जावा कलेक्शन में है, एग्जाम्पल ऑफ मैप कलेक्ट मैप, ठीक है, जो कि हम लोग देखेंगे। आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैप इंटरफेस कलेक्शन। इट प्रोवाइड्स ओनली रूल्स हाउ अ मैप शुड बिहेव इन प्रैक्टिस, दैट इज इट शुड स्टोर की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो इसका रूल्स डिफाइन कर दिया कहां पर, मैप में। अब मैप क्लास मैप इंटरफेस को जो भी क्लास एक्सटेंड करेगा, जैसे हैश मैप, हैश टेबल, ट्री मैप, ये सारे क्लासेस मैप इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि की वैल्यू पेयर उसमें ऑटोमेटिक होगा, हैश मैप और इस सारे में की वैल्यू पेयर ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। नाउ हम आते हैं वापस क्लास वाले एग्जाम्पल पे और इसको करके कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली में हम यूज कहां करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। और इस चीज पे हम कल फिर से डिस्कस कर सकते हैं। आज आप मान लिया एक दिन ज्यादा हो गया, तो आप फिर से इसको घर पे पढ़ना और कल फिर से हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कि इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट का क्या क्या यूजेज है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर रूल आप चाह रहे हो, ठीक है, कि फिक्स हो जाए, तो आप वो कहां डालोगे, इंटरफेस में। और याद रखो कि इंटरफेस का यूज हम कहां करते हैं, रियल जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम करते हैं बेसिकली जब सर्विस बनाते हैं, जब भी वेब सर्विस बनाते हैं तो वेब सर्विस में हम इंटरफेस को यूज करते हैं, ठीक है। रीजन ये है कि इंटरफेस में क्या है, एक नॉर्मल इंटरफेस होता है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कोई कोई आपका डेफिनेशन नहीं होता। ओके, सपोज कीजिए कि एक क्लास बनाया आपने, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक क्लास एक इंटरफेस है टेस्ट, ठीक है, आई टेस्ट। ओके, और इस आई टेस्ट में एक मेथड था हमारा, या आप ऐसे समझो मैं इसी को मॉडिफाई करता हूं, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल लेते हैं एक क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट वन। ओके, एक क्लाइंट वन था, उस क्लाइंट को क्या चाहिए था, शो मेथड भी चाहिए, ठीक है, और डिस्प्ले मेथड भी चाहिए। ओके, क्लाइंट वन को ये दो मेथड चाहिए, ठीक है, आपने एक इंटरफेस बना दिया। क्लाइंट टू है, ठीक है, क्लाइंट टू है, इसको क्या चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ शो मेथड चाहिए, ठीक है, इसको सिर्फ शो मेथड चाहिए। एक क्लाइंट है आई इंटरफेस क्लाइंट थ्री, ओके, इसको क्या चाहिए, शो मेथड कह रहा है, वॉइड शो इंटरफेस, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या है, यहां पर एक क्लाइंट है क्लाइंट थ्री, और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए शो मेथड, शो प्लस इंसर्ट, ओके, शो प्लस इंसर्ट। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, इतना में, ठीक है। हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट है, ओके। क्लाइंट वन ने पेमेंट किया है दो मेथड का, ठीक है, जो सर्विस मींस जिसको जितना रिक्वायरमेंट है आप उसको उतना ही चीज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट है, आप बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है। लेट से कि एक क्लाइंट को चाहिए था, उसने पेमेंट किया था शो एंड डिस्प्ले मेथड का, ठीक है, सर्विस का शो एंड डिस्प्ले, इसको आप दूसरे सेंस में ले सकते हो कि आप मोबाइल फोन का लो, तो मोबाइल फोन में जो पुराने वाले मोबाइल फोन होता था जिसमें सिर्फ कॉलिंग था, ठीक है, तो क्लाइंट वन को अगर मैं मेथड नेम चेंज कर दूं, तो इसको क्लाइंट वन को क्या चाहिए था, कॉलिंग, ओके, सिर्फ कॉलिंग का फीचर चाहिए था, और साथ में साथ क्या चाहिए था उसको, टच चाहिए था, ठीक है, टच स्क्रीन, ओके, कॉलिंग हो प्लस टच स्क्रीन हो। क्लाइंट टू को क्या चाहिए,
कॉलिंग चाहिए, ओके सिर्फ कॉल कर देगा वो, उस इतना ही पेमेंट किया उसने। क्लाइंट थ्री का क्या चाहिए, इसको कॉलिंग भी चाहिए, ठीक है। आप यहां पर एक दो और चीज डाल दो आप, इसमें आप डाल दो मैसेज, ठीक है, मैसेजिंग का पार्ट, मैसेज भी इसको करना है, ओके। एंड टच स्क्रीन भी चाहिए, ठीक है, टच स्क्रीन भी चाहिए इसको, ठीक है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल आया, तीन क्लाइंट है। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, मैं इसको बोला था कि हम लोग इंटरफेस को ज्यादा यूज करते हैं कब, जब हम एक क्या करते हैं वेब सर्विस बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, नॉर्मल क्लास बनाएंगे, क्लास मोबाइल IMPL, ठीक है, मोबाइल IMPL। अब ये क्या करेगा, इंप्लीमेंट्स क्लाइंट वन, क्लाइंट टू, क्लाइंट थ्री, ठीक है, क्लाइंट वन, क्लाइंट टू, क्लाइंट थ्री, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उन सारे रिक्वायरमेंट्स को क्या किया, मोबाइल इंप्लीमेंटेशन क्लास करके हमने एक बनाया हुआ है। अब इसमें ये जितने भी मेथड्स है उन सारे मेथड्स का डेफिनेशन हम क्या करेंगे, यहां पर दे देंगे, ठीक है, यहां पर दे देंगे सिस आउट मैसेज, ठीक है। तो इस तरह से आप डाल दो सारे में, ओके, कॉलिंग टच, ठीक है, हो गया। अब आप देखो, जब हम सर्विस बनाएंगे, ओके, जब हम वेब सर्विस बनाएंगे तो बेसिकली हम कैसे बनाएंगे इसका, क्या करेंगे हम, एक इंटरफेस जो उस पर्टिकुलर क्लास को चाहिए था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल IMPL, मोबाइल IMPL का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन किसका। अब जैसे देखिए, क्लाइंट वन को जो चाहिए था, क्लाइंट वन OBJ1 इक्वल टू न्यू मोबाइल, ओके। तो अभी क्या है, इसी तरह से हम कर देते हैं सारे का, ठीक है, क्लाइंट टू, क्लाइंट थ्री, ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं टू थ्री, ओके। अभी देखो, क्लास जो है सारे का इंप्लीमेंटेड क्लास क्या है, एक ही है, बट इंटरफेस अलग अलग है। क्लाइंट वन को जो चाहिए, हमारा इंप्लीमेंटेड मेथड यही है, ठीक है, बट जो क्लाइंट वन को जो चाहिए क्या है, OBJ1 डॉट। तो अब देखो यहां पर क्या क्या आएगा, कॉलिंग, ओके, क्लाइंट वन को क्या चाहिए था, क्लाइंट वन को कॉलिंग चाहिए था और टच स्क्रीन चाहिए था, ठीक है। तो हम क्लाइंट वन को कॉलिंग दे रहे हैं और फिर OBJ1 डॉट टच स्क्रीन, ठीक है। अब आप इसको OBJ1 को आप मैसेज नहीं दे सकते हो, MSG नहीं दे सकते हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। दैट मींस जिसने जितना पे किया था उसको उतना ही मेथड मिलेगा, उसको उतना ही मेथड मिलेगा। OBJ2 है, ठीक है, तो OBJ2 को क्या मिलेगा, टू डॉट कॉलिंग, ओके। OBJ2 में सिर्फ कॉलिंग था, ठीक है, तो अब इसको जिसने इसने इतना ही पे किया था तो इसको बाकी चीज नहीं मिलेगा, टच स्क्रीन एंड ऑल नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, ठीक है, सिर्फ इतना ही मिलेगा। अब क्लाइंट थ्री था, इसने पेमेंट किया था ज्यादा, तो इसको जो है कॉलिंग भी मिलेगा, OBJ डॉट मैसेज टच, ठीक है। ये बेसिक चीज समझ में आ रहा है कि इंटरफेस का कहां कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये सेम चीज हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते थे, ठीक है, बट ये वाली जो प्रॉब्लम है ये नहीं हो पाता, याद रखना आप, ये जो चीज है ये पॉसिबल नहीं था इंटरफेस में, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। दैट मीन्स कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है, आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो और आप मोबाइल फोन बनाते हो, ठीक है, मोबाइल फोन बनाते हो, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा क्लास बनाओगे जहां पर सारे जितने भी चीजें हैं उन सारे का डेफिनेशन एक ही जगह होगा, एक ही क्लास में आपने उन सारे का डेफिनेशन डाल दिया, और जितने भी क्लाइंट्स बनेगा उस सारे क्लाइंट्स को यहां दे दिए,
सपोज कीजिए कि कल को एक और क्लाइंट आ जाए, ठीक है, ये जो है ना इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अभी एक क्लाइंट वन था जिसको कॉलिंग टच स्क्रीन चाहिए था, अब एक और क्लाइंट आया हमारे पास, जैसे ही क्लाइंट आएगा हम क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस क्लाइंट, क्लाइंट फोर, ओके, क्लाइंट फोर को क्या चाहिए था, सिर्फ उसको चाहिए मैसेज, ठीक है, मैसेज चाहिए था, जितने उसने कहा कि सिर्फ मुझे मैसेजिंग करने का एप्लीकेशन दे दो या फिर उसका इंटरफेस दे दो, हम सिर्फ उतना से काम कर लेंगे। तो अब क्या है कि इसके लिए हमें अलग से डेफिनेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम क्या करेंगे, क्लाइंट फोर को यहां पर डाल देंगे कॉमा, क्या करेंगे, क्लाइंट फोर, ओके, क्लाइंट फोर डाल दिया, दैट मीन्स कि इसका डेफिनेशन ऑलरेडी है हमारे पास, और हम क्या करेंगे, जो ये प्रोसेस हमारा जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से चलेगा, हम क्या करेंगे यहां पर करेंगे क्लाइंट फोर ओबीजे फोर इक्वल टू न्यू मोबाइल। इसका डीप में आपको तब समझ में आएगा, ओबीजे फोर, जब आप हम थोड़ा और इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि ये जो चीज है ये तो हम बार बार लिख रहे हैं, लेकिन ये चीज भी हमें बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, एक इतना अच्छा चीज है जो हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में, ठीक है, आप सिर्फ पास कर दो कौन से क्लाइंट के लिए चाहिए, ठीक है, वो क्लाइंट क्रिएट करके दे देगा आपको, ओके, तो वो ओबीजे फोर डॉट मैसेज, इसको सिर्फ मैसेज ही है, बाकी चीज इसके पास नहीं है, ओबीजे फोर डॉट टच एंड ऑल ये सब कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग है, ओके, तो इस तरह से आप मल्टीपल चीज बना सकते हो जो कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू पॉसिबल नहीं था, ओके, ठीक है, इस तरह से जितने भी था उस सबको कॉल हो गया, ठीक है, So, आज का क्लास यही था, कल हम फिर से, और इस चीज को डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है, इस चीज को हम डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म और ये सब ना सब एक ही साथ चल रहा होता है, ठीक है, तो ये जो चीज है था हमारा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था।